अभी मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। मैंने यहाँ गिठान बांध ली, सॉरी गिठान बांधेंगे हम यहाँ पर। ये हमने गिठान बांध ली। अब यहाँ से चेन लेंगे, एक दो तीन चार ये पांच, पांच चेन ले ली हमने। लेने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम लेंगे धागे को, यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से धागे को लिया, ले करके बाहर निकाला। अब यहाँ से सिंगल कर लेंगे, सिंगल कर लिया हमने। अब चेन लेंगे, एक दो, दो चेन ले लिया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे, दो डबल क्रोशिया, एक चेन को पकड़ा हमने, एक डबल क्रोशिया किया है, दो हो गया, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये पांच चेन डबल क्रोशिया हो गया, छह, सात, ये आठ, नौ, दस। ये डबल क्रोशिया हमने दस यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ से हम जहाँ चेन लिया था वहाँ पर सिंगल कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट हमारा सेंटर। अब धागे को चेंज करेंगे, इसकी पपड़ी बनाएंगे फ्लावर की। यहाँ धागे को लिया, यहाँ से चेन कर लिया, सिंगल कर लिया, धागे को बड़ा किया यहाँ से, और यहाँ से एक एक करके सेंटर में से मुंडे से लेंगे, दो तीन, तीन बार ले लिए, ये चार, चार बार हो गया। अब यहाँ से धागे को लेकर इसे पूरा बंद करेंगे। ये हो गया हमारा पपड़ी डिजाइन, एक दो तीन और ये चार, ये पपड़ी डिजाइन हो गया, ये दो हो गया हमारा, ये तीसरा वाला, एक दो, ये तीन, ये चार। ऐसे करके हम ढीले ढीले धागे को लेंगे, ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है हमको। एक दो, ये तीन, ये चार, ऊपर से एक बार नीचे से ये धागे को बंद कर दिया। अब ऐसा करते करते हम ये पूरा करेंगे, ये पूरा हो गया है। ये चार बार ले रही हूँ मैं, धागे को ढीला करके लेना है। ये हमने ले लिया, इसे बंद करेंगे ऐसे दो बार, और यहाँ सिंगल कर देंगे। ये हमारा छोटा फ्लावर कंप्लीट हो गया। मैं इसे धागे को काटूंगी, ये हमने धागे को काट दिया, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है ये खुल जाएगा तो यहाँ पर हम धागे को गेठान बांध लेंगे एक और बार। इस धागे को अब हम काटेंगे, ये धागा बचा है, ये इसको भी हम काट लेंगे। ये यहाँ से ज्वाइंट हो गया है, ये अब नहीं खुलेगा, ये काट दिया। देखिए ये कुछ ऐसा आकार लेता है। ये छोटे फ्लावर मैंने बहुत सारे बनाए हैं। अब ये दूसरा वाला है, मैंने धागे को लिया, यहाँ पर हम गिठान बांधेंगे, ये बांध दिया है। अब चेन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन ले लिया, पांच, और यहाँ फर्स्ट वाले में लिया,
धागे को यहाँ से बाहर निकाला, सिंगल किया, एक चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ले लिया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। डबल क्रोशिया हमने स्टार्ट किया, ये एक दो, एक चेन को पकड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ चेन लिया, डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर एक चेन, तीन हो गया। अब यहाँ से डबल क्रोशिया, चार नंबर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया किया, यहाँ पे एक चेन लिया। अब पांच नंबर, पांच डबल क्रोशिया किया, चेन लिया, छह डबल क्रोशिया किया, चेन ले लिया, ये सात डबल क्रोशिया, यहाँ चेन, आठ डबल क्रोशिया, यहाँ चेन, नौ डबल क्रोशिया, एक चेन और ये दस डबल क्रोशिया, चेन, ग्यारह चेन, ये बारह, ये डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक चेन कर लेंगे, कर लिया हमने। अब यहाँ से सिंगल कर देंगे, जो फर्स्ट वाले में चेन लिया था हमने, तीन चेन उसमें डालकर यहाँ पर सिंगल कर लिया। अब यहाँ से हम धागे को काट देंगे, बाहर निकाला हमने, ये गिठान बन गई है यहाँ पर। अब इस येलो धागे को लेंगे, यहाँ चेंज करेंगे और पपड़ी बनाएंगे, सेंटर का हो गया हमारा। यहाँ से धागे को बाहर निकाला, चेन स्टार्ट कर दिया, एक धागे को खींच लेंगे, दो तीन चार, चार लिया, और ऐसे करके यहाँ से एक दो तीन चार, ये पप डिजाइन हो गया। यहाँ से लेकर धागा इसे बंद कर दिया। अब चेन लिया, एक दो तीन चार, चार चेन ले लिया, पास वाले से सिंगल कर लिया, सेंटर से और से चेन लिया, एक दो तीन चार चेन लेकर अब यहाँ से डालकर ये धागे को बाहर निकाला, ऊपर से लिया, नीचे से एक बार बाहर करना, बाहर निकालेंगे, तीन और ये चार, ये धागे को लिया, ये चार चेन लेंगे। चार चेन लेने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ सिंगल कर दिया, फिर यहाँ चार चेन लेंगे, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से पप डिजाइन करेंगे, तीन चार, चार चेन लिया। अब यहाँ पर सिंगल किया, सिंगल करने के बाद यहाँ पर चेन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन ले लिया। अब यहाँ से डाला, धागे को बाहर निकाला, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, ये ऊपर से और ये नीचे से, चेन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन लिया, यहाँ सिंगल किया, सिंगल करने के बाद यहाँ से चेन, एक दो तीन चार, चार चेन ले लिया। अब यहाँ से पप डिजाइन, एक ये दो, फिर ऊपर से नीचे से, तीन और ये चार, चार हो गया। यहाँ से धागे को बाहर निकालिए और डबल बनाइए, तो चार चेन, एक दो तीन चार, चार ले लिया हमने। लेने के बाद अब यहाँ पास वाले में हम डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ पर सिंगल कर देंगे, सिंगल कर
करने के बाद अब यहाँ से एक चेन लेकर के अब धागे को काट देंगे। धागे को काटेंगे और यहाँ से क्रूस को खींच के ये धागा बाहर निकालेंगे। अगर आपको लगता है ये खुल जाएगा तो हम इसे भी ज्वाइंट कर देते हैं बांध कर। ये हमने बांध दिया, दो बार गिठान बांध दी हमने। अब इस धागे को हम काट देंगे कांची से। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखा सकूं। आप साथ में बेल भी बजाइएगा। मैंने ये फ्लावर पहले से बना के रखी है, ये आप लोगों को दिखाए। ये बड़े बड़े फ्लावर हैं और पहले छोटा वाला फ्लावर दिखाया है। ये देखिए मैंने ये सब फ्लावर बनाए हैं। अब मैं ऐसे गोपाल जी के ड्रेस में दूंगी। मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज